ये जो इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया, ये इनका जो जो फाउंडेशन ही थी, जो इनकी बुनियाद थी, वो बुनियाद ही बेबुनियाद थी। किसी का एक लक्ष्य था ही नहीं, एक विचार भी नहीं था, राजनीतिक विचार भी नहीं था, सोच भी एक जैसी नहीं थी, और तो कोई चारा नहीं है तो हाथ मिला लेते हैं। अब वो कितने दिन चलता, इंडिया गठबंधन के अंदरूनी खिंचाव है, एक दूसरे खिलाफ मोर्चे खोल लेते हैं। शिक्षक और शिक्षकों के अंदर प्रबोधक, इन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। कई सालों से गाँव में जाके, ढाणियों में जाकर बच्चों को प्रेरित करना कि स्कूल के अंदर आइए, पढ़िए। अटेंडेंस 40% से 60-65% पर चली गई। तो इनका जो रोल रहा है समाज के अंदर कि बच्चों को एक तरह से शिक्षित करना, एक माहौल बनाना, एक बहुत बड़ा रोल रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि इनको रिकॉग्नाइज करा इनके काम को और इनको परमानेंट जॉब दिया उसके अंदर। आज इनके कार्यक्रम में आके अच्छा लगा। मेरी तरफ से मैंने यही कोशिश करी कि जो शिक्षकों का जो महत्व है वो हम सब एक बार फिर जाने। शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो शिक्षक गुरु के रूप में ले लीजिए, या आप कोचेस के रूप में ले लीजिए, किसी भी रूप में ले लीजिए। और माँ बाप भी एक शिक्षक का रोल प्ले करते हैं घर के अंदर भी। आधा स्कूल घर में होता है, तो वहां पे भी अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले वो जो करते हैं, बच्चे वो भी सीखते हैं। तो स्कूल भी महत्वपूर्ण है और घर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इन सबसे मिलकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। मेरी शुभकामनाएं सभी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान के अंदर जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से भरोसा है। हमारे राजस्थान के जो वोटर्स हैं और पूरे देश के जो वोटर्स हैं, आज इस बात को पूरी तरह से समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस वाली सरकार है। वो सबका साथ, सबका विकास भी करती है, विश्वास भी करती है, और सबके प्रयास के लिए सबको प्रेरित भी करती है, सबको जोड़ के चलती है। इंक्लूसिविटी वाली सरकार है। हम जो पिछड़े हैं उनको आगे लेकर आते हैं, जो वंचित हैं उन तक हम साधन पहुंचाते हैं। लीकेज हमने बंद कर दिया है। पारदर्शी सरकार है, एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है। ये सारी भावना आज वोटर समझ गए हैं, और वोटर यही चाहते हैं कि उनका परिवार भी आगे बढ़े। जो इतने लंबे समय से केवल वोट डालने के लिए बने हुए थे, आज उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की जीडीपी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, तभी बढ़ती है जब हर नागरिक अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके। तो हमें पूरी तरह से यकीन है कि जो हमारे चुनाव है, बाई इलेक्शन, और जो महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव है, हम उसको पूरी तरह से जीतेंगे। यूपी में सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे बिना कांग्रेस की राय मशवरा करके, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी बिना सपा के समझौते के कांग्रेस उतारी कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है इंडिया गठबंधन। ये जो इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया, ये इनका जो जो फाउंडेशन ही थी, जो इनकी बुनियाद थी, वो बुनियाद ही बेबुनियाद थी। नहीं, क्योंकि इनका किसी का एक लक्ष्य था ही नहीं, एक विचार भी नहीं था, राजनीतिक विचार भी नहीं था, सोच भी एक जैसी नहीं थी, एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे हमेशा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनका एक स्वच्छ साफ राजनीतिक कारण सफाया होने वाला है, तो इन्होंने कहा कि और तो कोई चारा नहीं है तो हाथ मिला लेते हैं। अब वो कितने दिन चलता, तो ये जो इंडिया गठबंधन के अंदरूनी खिंचाव है, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खोल लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार देते हैं, ये तो जाहिर सी बात है, होना ही था।